हम लोग यहाँ में बैठा है एपीसीएस जो एग्रीप कैंडिडेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। तो मेरा नाम ताई टाइग है और आज मैं आया हूँ एक वीडियो जो कल आया था पब्लिक डोमेन में, वो जो वीडियो आया है वो हमारा रेस्पेक्टेड फॉर्मर एमपी निनोंग इरिंग सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत रिगार्ड करता हूँ, दिल से मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत पहले से आपका जो इस स्टेट के लिए जो आप किया है उसको मैं आपके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ। तो लेकिन कल रात जब आपका स्टेटमेंट आया मैं बहुत दुखी हूँ और उस आधार पे मैं आपके आपका जो कल स्टेटमेंट है उसको मैं आपको पब्लिक डोमेन में फिर से रिपीट करना चाहूँगा और फिर उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखूँगा। तो सबसे पहले सर, आपने दिया है एक स्टेटमेंट ऑन 20 सितंबर रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनिटी बेस्ड एलिगेशन टुवर्ड्स द आदि कम्युनिटी, एंड इन दैट स्टेटमेंट यू हैव सेड दैट यू हैव कम्प्लीट फेथ ऑन आवर एपीपीएससी मेंबर एंड एपीएसएसपीए। यू हैव डिक्लेयर्ड इन द असेंबली दैट करप्शन इज देयर टू स्टे, एंड ऑन 4th October you have stated another post in your Facebook profile page, in that you have stated blaming and writing adverse remark without original names, source, cowardice and integrity of a person, and again you have stated that you have full faith on our honorable chief minister, and you have clearly mentioned that there are many instances of case for job in the state, and also you have mentioned that investigation is going on right direction। यहाँ पे जो कल रात को आपका वीडियो आया था उसी पे मेन मुद्दा हमारा शुरू होता है, तो उसको मैं एक एक पॉइंट करके, आपने जो कल मीडिया में ब्रीफिंग दिया है उसको मैं आपको फिर से हाईलाइट करूँगा, आप ही को मैं आपका बात को सुनाऊँगा। आज आपने बोला है कि कल रात की जो या में एक्यूज इन्वॉल्व है उसको आपने पर्सनली मिला है, यू हैव मेट द पेरेंट्स, एंड आप उनके लिए आवाज़ कर रहा है कि इट इज़ नेचुरली फॉर द पेरेंट्स टू बाय द क्वेश्चन पेपर for their son to get a job by any hook and crook and without any fear, and you have also mentioned that such cases are going through all over India. Secondly, you have stated that CM tried to bring APSSB and make APSC more reliable, and now the main statement that you have given is Taket Jereng and Tamasaro are only to be blamed, not the government or the member of commission. You have mentioned that you are very known to the commission members, member of the commissions, and you have mentioned that the commission is spotlessly clean. You have also accepted that you have gave job to other based on recommendation but not on the merit, and instruct other MLAs to give them job. तो आपने ये बोला कि सब नेता ऐसा ही करता है, और दूसरा बात आपने ये बोला है कि ओनली केस फॉर जॉब इज प्रॉब्लम बट साफ दिल से करता है तो लोग उनको कंसिडर कर सकता है, ये आपने क्लियरली बोला है कि इट्स गुड थिंग टू गिव जॉब इफ़ योर हार्ट इज क्लीन। और आपका दूसरा बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ड्यू टू पेपर लीकेज आंदोलनकारियों को मौका मिल जाता है सरकार के खिलाफ जाने का, ये बात को जनता फिर से सुनिए। According to Ninong Iring sir, we are the Andolankaris. We are not the agri aspirants. We are the Andolankaris. And due to the paper leakage, our CM or CBI ka wajah se future mein aur paper leak nahi hoga. You are giving assurance. You have promised that during your whole career as a CO, MLA, minister or union minister, gave job to many people but have not taken a single penny. This is your statement, and your next statement is you have accept I'm also corrupted. You have clearly mentioned that you are also corrupted. When public comes to him, you give him when public come to you for some financial aid, he asks third party to help him on his behalf. Later, when the third party comes back, he gives him वर्क ऑर्डर। आप ये कहना चाह रहा है कि किसी को आप हेल्प करता है तो वापस में आप उसको पैसा नहीं दे सकने से भी आप जो है उसको वर्क ऑर्डर देता था इन लियो ऑफ द मनी, ये आपका खुद का बोला वाला शब्द है। और अभी मैं आपको
आपका बोला वाला को मैं बोलना चाहूँगा कि काउंटर करते हुए, सर दिस इज़ नॉट योर लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट योर स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, बट यू आर स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड द एक्यूज पर्सन एंड फॉर द एपीसीएस मेंबर्स, यू आर स्पीकिंग फॉर देम ओनली, आप अपने लिए बात नहीं कर रहा है। आप कांग्रेस का नेता है, आप एक ओपोजिशन में रहना चाहिए था, आपको ओपोजिट डायरेक्शन में आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ में ओपोजिट डायरेक्शन में उठा नहीं रहा है, आप यहाँ में प्रो गवर्नमेंट का बात कर रहा है। दूसरा बात, आपने ये बोल रहा है कि जिसको पकड़ा है उसी में ही लिमिट करो, ताकि जरंग में शुरू हुआ है वही में ख़त्म करना है, ये आपका वर्ड हम लोग को इंटरप्रेट होता है एज ए जेन्यून एक्सपीरियंस। आपको फिर से बता दूँ, ताकि जरंग में शुरू हुआ है तो वही में ख़त्म करने का बात को आप शुरू कर रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ योर रोल, आर यू स्पीकिंग एज ए सीएम स्पोक्स पर्सन, आप किस हित में बात कर रहा है? आप उससे अच्छा आप सीबीआई को क्वेश्चन करता, ईडी को लाने के लिए बात करता, जुडिशियल इंक्वायरी का बात करता, ये सब का बात तो आपने किया ही नहीं। आप जब मेंबर को अच्छे से जानता है बोला है, आपने खुद मेंशन किया है, जबकि आपने बोला है कि मेंबर ऑफ द कमीशन आर स्पॉटलेसली क्लीन, दैट मीन्स व्हाट, यू आर वेल अवेयर ऑफ द चेयरमैन, जबकि हर कोई जानता है कि 2017 को पेपर लिखवा है, 15 को पेपर लिखवा है और 22 को पेपर लिखवा है, तो आप मतलब कि क्या है कि ये पेपर लीक इशू को आप भी जानता था? आप किस सेंस में बोल रहे हैं कि दे आर स्पॉटलेसली क्लीन? व्हाट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू इज व्हाट इज़ योर कनेक्शन विद द एपीसीएस, आपका क्या कनेक्शन है, आप किस लैंग्वेज में आप उन को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, किस वे से आप उसको बचाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि दे आर स्पॉटलेसली क्लीन, व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस स्टेटमेंट? आप जब भी इस मुद्दे पे आता है, आप हमारा साथ में आता है, हम उसको एक्सेप्ट करता है, बट हमको समझ में नहीं आता है कि आप गवर्नमेंट का साथ में है या फिर हम लोग का साथ में है, और अगर आप हम लोग का साथ में है तो आप हम लोग को आंदोलनकारी क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है? आप इसको जवाब देना पड़ेगा, क्या हम आंदोलनकारी है? हम यहाँ में क्या गवर्नमेंट का अगेंस्ट में रैली कर रहा है? वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट एंड देयर गवर्नेंस। आप खुद जानता है प्रोसीजर लैप्सेस हुआ है, लेकिन भी आप उसको क्वेश्चन नहीं करके हम लोग को उल्टा क्वेश्चन कर रहा है। वी आर द एग्रीव कैंडिडेट्स, व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग मी एंड यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट हु हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स इन देयर इन द रिसेंट पेपर लीक इशू? आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता है, बट लिमिट आप जो खुद को लिमिट करता है गवर्नमेंट को सिर्फ तारीफ करने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट को तारीफ करने का बात क्यों कर रहा है, ये चीज़ को आप जवाब देना पड़ेगा। आपका रोल है ओपोजिशन में रह के आपको ओपोजिट बात करना था, लेकिन आप यहाँ में प्रो गवर्नमेंट है, आप इसको क्या जवाब देना चाहते हैं? आप करना क्या चाहता है? आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? गवर्नमेंट में आना चाहता है आप? अब हमको बताइए कि आप हमको बोलता है कि सीबीआई को ट्रस्ट कीजिए, पेमा खांडू को ट्रस्ट कीजिए, आप हमारा दर्द को कभी समझा है? हमको कभी, हम लोग का जो दर्द है उसको आप कभी फील किया है? अब हमको बताइए किस एंगल से हम सीबीआई को ट्रस्ट करेगा, किस एंगल से हम एपीसीएस को ट्रस्ट करेगा जो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला करता है, कैसे ट्रस्ट करेगा? आप हमको बताओ, हमको, हम भी हमें ट्रस्ट करके ये एग्ज़ाम देने आया है, हमें हमें एग्ज़ाम हवा में ऐसे नहीं आया। अगर हमको मालूम होता कि पेपर लीक होता था उनसे, हम क्यों हमें एग्ज़ाम देने आना था? आप क्यों बोलते हैं हम लोग को ट्रस्ट करो? या हमें ट्रस्ट का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है ना, और आप उसमें स्टेटमेंट देता है कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट कीजिए, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। आप गवर्नमेंट को तारीफ करता है, हम लोग भी एक्सेप्ट करता है कि वो अच्छा काम किया है, बट डेट इज़ ओनली द वन स्टेप, एक स्टेप सिर्फ गवर्नमेंट लेता है, आप उसको प्रेस करने के लिए 3-4 स्टेटमेंट देता है, लेट इज़ नॉट आवर डिमांड। उसको गवर्नमेंट को 10 स्टेप लेना चाहिए था, तब जाके हम लोग भी तारीफ कर सकता था, लेकिन एक स्टेप लेने पर आप इतना तारीफ करने के लिए पूरा आ जाता है सोशल मीडिया पर। आप किसके लिए इतना लिख रहा है ये सब चीज़, आप हमको बताना पड़ेगा। आप हमको अगेंस्ट द एग्रीप है या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है या फिर फॉर द गवर्नमेंट है या फॉर द एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आपको क्लियरली फिर से बोलना पड़ेगा। आपको हम क्वेश्चन करेगा कि क्या आप गवर्नमेंट का साथ है या एक्यूज का साथ है, ये लोग का साथ आप मिला हुआ है क्या? हम बार बार क्वेश्चन करेगा। आप हर बार ये लोग को सिंपति दे रहा है, एक्यूज पर्सन को आप सिंपति दे रहा है, गवर्नमेंट को सिंपति दे रहा है, हम लोग को सिंपति कहाँ में दिया? आप तो हम लोग को आंदोलनकारी बोल रहे हैं, हमारे लिए सिंपति कहाँ है? आपका ब्रीफिंग में हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप हमारे जो एग्रीव कैंडिडेट है उसका साथ में है बोल के, ये हमको आपका स्टेटमेंट में कोई भी एंगल से दिखाई नहीं दिया, ये आपको फिर से मैं बता दूंगा। और दूसरा बात, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये जो एपीसीएस का वजह से आपका कम्युनिटी को बहुत ट्रोल मिल रहा है,
आपको बता दूं कि हमारा जो पाई गैदी सर का जो वीडियो है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, जिसमें वो बोला है कि ये जो केस है टोटली नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, क्लियरली मेंशन किया है, मैं उसको फिर से आपको रिपीट करूँगा। और दूसरा बात, आप हमारा मीटिंग में कभी आया ही नहीं, आके आप देखिए हम लोग का एक्सपीरियंस में क्या बात होता है। वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट आर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब, और उसमें कभी ये चीज़ बात होता ही नहीं कि ऑल आदिस आर चोर। तो आपको कहाँ से कान में खबर मिलता है कि हम लोग जो यहाँ में पूरा एकदम कम्युनल हो रहा है। और तीसरा बात, हमारा जब भी मीटिंग होता है हम लोग अप्रिशिएट करता है जितना भी जो जो ये रिसेंट जो पेपर लीक इशू हुआ है उसमें आदि ब्रदर्स एंड सिस्टर लोग का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग का सपोर्ट नहीं होता ना तो ये पेपर लीक जो इशू इतना बड़ा से नहीं बनना था। इसको हम लोग अप्रिशिएट करता है। आई अप्रिशिएट ऑल द आदि ब्रदर्स एंड सिस्टर फॉर कमिंग अप इन दिस सेंसिटिव केस। योर ब्रेवरी एंड करेज आर वेल अप्रिशिएट बाई एवरी ट्राइब, सो प्लीज़ डोंट कॉल इट एज ए कम्युनल इशू। और आपको मैं फिर बता दूं कि ऐसा पब्लिक डोमेन में अगर कोई बोला है या फिर हमारा जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो अगर कमेंट किया है कि ये जो इशू है वो कम्युनल है बोल के कोई बोल रहा है, या फिर आपका कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको हमको बताइए। कोई भी हमें नहीं बोला है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है कि जो रूम पे रह के फेक अकाउंट का साथ जो कमेंट कर रहा है उसका बेसिस पे आप इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। आपको क्या नज़रअंदाज करने का मालूम नहीं है क्या कि सोशल मीडिया में किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है? आपको नेगेटिविटी भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगा। और सबसे बड़ा बात, आप अपना जो तीन जो पोस्ट है उस पर आप प्लीज़ जाइए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ निनोंग इरिंग सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट, आपका जो कमेंट, आपका जो पोस्ट पे जो कमेंट आता है ना उस पर आप जाके देखिए कि आप पर क्या कमेंट कर रहा है। उस पर 99% आपका अगेंस्ट में ही है कि आप इतना बड़ा आदमी होके आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। आपको आप अगर पता नहीं है तो मेरे पास हमें पूरा सबूत है, जो जो हमें कमेंट किया है ना उन सब का एविडेंस मेरे पास है, और इसको मैं स्टेटमेंट को रीड भी कर सकता हूँ, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आप खुद जाए, मैं चाहता हूँ कि आप उसको खुद पढ़े, आपका स्टेटमेंट को लेके कितना लोग